नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल में लोकसभा सीटों पर हुई 71% की वोटिंग, 2019 की तुलना में इतने प्रतिशत कम रहा मतदान। हिमाचल के मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा में महिलाओं ने और शिमला में पुरुषों ने डाले ज्यादा वोट। गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली का रुख कर रहे हैं पर्यटक। लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारी जारी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्वीकार किए तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे। हिमाचल में 24 घंटों में 29 और जंगलों में लगी आग। सोलन में ट्रेन 2 घंटा हुई लेट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 71% मतदान। 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, 1 घंटे बाद रुझान। हमीरपुर की जनता में इस बार किसका अनुराग, 26 साल से कांग्रेस को सीट की तलाश। हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार, अब इन तीनों सीटों पर भी होंगे उपचुनाव। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों पर 71% मतदान हुए। निर्वाचन विभाग की ओर से मत प्रतिशतता बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए गए। 6 विधानसभा उपचुनावों में सबसे अधिक मतदान ऊना जिला के तहत आने वाले कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 76% हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य में मतदान बढ़ाने के प्रयास किए गए। लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चित मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनने में आधी आबादी यानी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा रुचि दिखाई है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 7 मंडी जिले में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया। संसदीय क्षेत्र के कुल 17 हलकों में से 8 में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाएं मतदान करने पहुंची। इसी तरह मंडी जिले के कुल 10 हलकों में 8 में मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। मंडी संसदीय क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले 9,130 अधिक महिलाओं ने मतदान किया, जहां 74.20% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। प्रदेश में मैदानी इलाके में हो रही गर्मी से राहत पाने के लिए देश भर के लोग कुल्लू मनाली की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अभी हाल फिलहाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं जताई है। हालांकि लू और गर्मी के चलते मनाली के होटल 90% बुक हैं। शिमला संसदीय सीट के लिए 800 कर्मचारी द्वारा मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है, लेकिन इन कर्मचारियों के अभी टेबल आवंटित नहीं किए गए हैं। किस टेबल पर कौन सा कर्मचारी मतों की गिनती करेगा, इस पर 4 जून को ही फैसला लिया जाएगा। मतगणना शुरू होने से ठीक पहले काउंटिंग टेबल आवंटित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे स्वीकार कर दिए हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। पठानिया ने कहा कि होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रोजाना प्रदेश के हर कोने से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की 29 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 177.11 हेक्टेयर जंगल राख हुए हैं। इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने के मामले 1302 हो गए हैं। जिनमें 12,431 हेक्टेयर में वन संपदा राख हुई है। आग से जंगलों में अभी तक करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। शनिवार शाम से रविवार शाम तक हमीरपुर सर्कल में जंगलों में आग लगने की 13 घटनाएं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में 1, मंडी में 6, नाहन में 7, शिमला में 1 और सोलन में 1 मामला दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 71% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आंकड़े जारी किए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 73, हमीरपुर में 72, शिमला में 71 तथा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 68% मतदान हुआ है।
मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आनी में 73, बलह में 75, बंजार में 70, भरमौर में 62, द्रंग में 74, जोगिंद्रनगर में 68, करसोग में 72, किन्नौर में 70, कुल्लू में 71, लाहौल स्पीति में 75, मनाली में 72, मंडी में 75, नाचन में 77, रामपुर में 74, सरकाघाट में 67, सिराज में 75 और सुंदरनगर में 76% मतदान हुआ। प्रदेश में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मतगणना की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 4 जून सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 31 मतगणना केंद्रों पर करीब 4000 कर्मियों की तैनाती की है। मतगणना शुरू होने से पहले कर्मचारियों को काउंटिंग टेबल आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सुरक्षा बलों के पहरे में रखी गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के रण में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के सतपाल रायजादा है। यहाँ 12 प्रत्याशियों से मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर जिलों की सभी 14 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा के त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आज तीनों निर्दलीय विधायकों को विधानसभा में व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना था, लेकिन तीनों विधायक नहीं पहुंचे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों निर्दलीय विधायकों का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।